हेलो नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल। मैं सतीश मिश्र फिर आपके सामने उपस्थित हूँ ऑफ द रिकॉर्ड की उन खबरों को लेकर जिन्हें आपने कहीं पढ़ानी होगा सुनानी होगा। मैंने 35 साल जो नवभारत टाइम्स में बिताए, इतनी रिपोर्टिंग की, 44 देशों की यात्राएं की और फिल्म पॉलिटिक्स हर क्षेत्र में जमकर रिपोर्टिंग की, उसमें उन चीजों को देखा जो मैं कभी लिख नहीं पाया, छाप नहीं पाया, कई वजहें थी। उन सब बातों को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ और आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक रोचक घटना, एक ऐसी घटना जिसे कहते हैं ना आ बैल मुझे मार। पिछले दिनों आपने देखा होगा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल बंद 28 दिन की हुई, उस दौरान कई घटनाएं हुई। एक ऐसा वाकया था जिस पर मैंने अभी पिछले दिनों, आप आई बटन में देख सकते हैं कि उसमें उस कैदी की हमने इंटरव्यू, उनसे बातें की जो की थी, वो हमने दिखाई थी कि कितना आर्यन किस तरह खाना खा रहा है, किस हालात में वो जी रहा है। लेकिन आज उसी, वो जो बातें की थी, उसका नाम था, वो कैदी था श्रवण नाडार। जी हाँ, 44 साल का श्रवण नाडार 6 महीने जेल में रखकर अभी निकला था और उस दिन मैंने इंटरव्यू करके ये बात दी थी। हम तो प्रिंट वाले हैं इसलिए हमारा अप्रोच अलग होता है, लेकिन ये जो टीवी वाले हैं इन्हें तो बाइट्स दिखानी होती हैं, तो वे उसके पीछे जिस तरह लगे हुए थे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। ये जो श्रवण है ही इज हैबिचुअल थीफ। 44 साल का श्रवण इसके पहले भी कई बार घर फोड़, जो कहते हैं मुंबई की भाषा में कि डकैती, चोरी, घर में सेन लगाकर चोरी करना, इन सारी ऐसी कई वारदातों में ये पकड़ा जा चुका है, जेल भी जा चुका है, सजा भी हुई है। अभी फिलहाल उसे जब ये आर्यन के आने के पहले माटुंगा पुलिस ने इसे एक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था और उसकी सजा हुई थी, जो वो उस वक्त वहां भुगत रहा था। जमानत पर वो बाहर आया था और तब आते ही जब कई मीडिया ने, लोगों ने, पत्रकारों ने बातें की, तो कुछ टीवी तक वालों तक मामला पहुंचा खबर, तो वो एक जोर से जो है, जैसे कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते पर लोग टूट पड़ते हैं, वही हाल हुआ। वो सारे सब आ गए और उसकी तो डिमांड इतनी बढ़ गई कि फिर तो वो हर तरह की बातें करने लगा और लफाजी करने लगा, और कुछ इन टीवी वालों ने एक्सक्लूसिव लेने के लिए, उससे अलग बात करने के लिए उसे कहीं कहीं बड़े बड़े जगहों पे लेके जाने लगे, खाना वाना खिलाया, और मेरी जो खबरें हैं कि काफी पैसे भी दिए कि वो एक्सक्लूसिव उनसे बात करे, तो उसे ले जाकर वहां शूट किया उन लोगों ने। इस समय श्रवण के खिलाफ कुल मिलाकर 13 मामले दर्ज हैं पूरे मुंबई में, जहां पर उसने चोरियां की हैं, और उसमें से 3 मामले जुहू के भी हैं। पिछले दिनों आर्थर रोड जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद तो एक सेलिब्रिटी जैसा बिहेव करने लगा था। अब चूंकि जेल के अंदर की घटनाएं और किसने देखी है, जो उसको कह रहा था लोग मानते जा रहे थे। श्रवण बड़े बड़े दावे कर रहा था कि वह वहां पर वार्डन का जैसी भूमिका में है, वहां वो खाना परोसता है, तो वो जब वो आर्यन आता है तो वो उसे ऐसे खाना देता है, वो इतनी रोटी नहीं खाता, एक दूसरे को देता है, सारी बकवास कर रहा था वो। भत्ता, अब वहां के जो जेल के अंदर के टर्म्स होते हैं कि खाना लेना है तो उसको कहते हैं कि भत्ता लेना पड़ेगा, तो वो वही टर्म्स दोहरा कर वो इम्प्रेस कर रहा था लोगों को। लेकिन जो कहते हैं ना कि कहीं न कहीं आकर ऐसे लोगों की जो सच्चाई वो सामने आई जाती है। 10 दिन पहले काफी डिमांड में रहने के बाद उसकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि जब तक वो इंटरव्यू दे रहा था और जितना बकवास कर रहा था वो सारी पूरी हो गई थी, तो अब और आगे कहां, तो वो भी चुप बैठा हुआ था। और तब तक क्या हुआ कि आर्यन को जमानत मिल गई। जैसे ही जमानत मिली और उसने देखा कि आर्थर रोड जेल के बाहर सैकड़ों चैनल वाले पहुंचे हुए हैं, पत्रकार लोग हैं, ये बंदा फिर से वहां पहुंच गया, वही बातें और फिर ये दावे, लगा एक चैनल को इंटरव्यू करने एक्सक्लूसिव दिया उसने कि जब वो बाहर निकला था तो आर्यन ने उसको बुलाकर अलग से कहा था कि ये मैसेज है, ये जाकर मेरे
पिताजी शाहरुख खान को दे देना, और बड़े बड़े दावे जो कह रहा था कि वो गया था उसको लेकर ये बात को बताने के लिए मन्नत पर, और वहाँ पे उसको अंदर जाने नहीं दिया, सिक्योरिटी वालों ने उसके साथ बदतमीजी की और इस वजह से वो आगे बढ़ा बता नहीं पाया और उस वजह से उसको बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी। अब ये पूछा कि भाई क्या वो मैसेज था, वो बताने को तैयार नहीं था। ये बड़े बड़े जो दावे दे रहा था, इंटरव्यू कर रहा था, उसे ये नहीं मालूम था कि यही बकवास, यही बातें उसके गले का फंदा बन जाएगा। हुआ यूं कि वो जिस मराठी चैनल को ये इंटरव्यू दे रहा था, मराठी भाषा में भी टूटी फूटी बात कर रहा था, उसने जो दावा किया कि अगर वो मैसेज शाहरुख खान तक पहुंच गया होता और वो जल्दी छूट गए होते, इस इंटरव्यू को जुहू पुलिस स्टेशन के ऑफिसरों ने अपने यहां देखा और जुहू पुलिस स्टेशन में इसकी चोरी के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं, और जो कंसर्न ऑफिसर था उसने देखते ही उसको पहचान लिया, ये तो वही है। जुहू पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शंकर माने के नेतृत्व में तुरंत टीम बनी और तुरंत उसे रवाना किया गया आर्थर रोड जेल की तरफ। वहां पर श्रवण जनाब जो है सेलिब्रिटी बनकर बड़े बड़े भाषण कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे। जब वो पुलिस सादे वेश में थी वहीं पे रुकी रही, जब उनका सारा इंटरव्यू पूरा हो गया तब इंस्पेक्टर ने कहा अच्छा अब हमें भी इंटरव्यू दीजिए ना, तो उसने बोला आप कहाँ से आए हैं, उसने कहा चलिए बताते हैं आपको, और उनको अपनी जीप में बिठाया और लेकर चली गई। जो पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार तुरंत ही कर लिया है और वो एक बार फिर से जेल की हवा खा रहा है। बड़ी बड़ी बातें करके ये खुद अपने जाल में फंस गया और आज वो फिर से नए मामले में गिरफ्तार होकर जेल के अंदर। ये रही आज ऑफ द रिकॉर्ड में खबरों के पीछे की खबर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, और पहली बार अगर आए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, और अगली बार फिर मैं कोई नई खबर, खबरों के पीछे की खबर लेकर आपके सामने आऊंगा, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।